फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। और आज मेरे हाथ में एक अमेजिंग गाड़ी की है और इसका नाम है टोयोटा ग्लेंजा और ई वेरिएंट है, बिल्कुल ही बेस वेरिएंट है। अराउंड 60,000 रुपये की इसके अंदर जो है एक्सेसरीज लगी है। और अगर आप प्लान कर रहे थे ग्लेंजा का बिल्कुल ही बेस वेरिएंट ई वेरिएंट और एक्सेसरीज़ के साथ प्लान कर रहे थे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो रहने वाली है और आप जो है इससे अंदाज़ा लगाने वाले हैं कि गाड़ी कैसी दिखेगी उन एक्सेसरीज़ के साथ। तो स्टार्ट करते हैं फुल एक रिव्यू को, जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो जी मैंने की आपको दिखा दी है, लॉक अनलॉक आपको मिल जाता है, कुछ इस तरीके की मिल जाएगी। और वहीं अगर आप इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का प्रोजेक्टर आपको सेटअप मिल जाता है, हैलोजन बेस्ड इंडिकेटर मिल जाते हैं। नीचे आपको जो है ये क्रोम के जो जितने भी एलिमेंट लग रहे हैं ये सारे ही जो है आपको एक्सेसरीज के ऊपर आपको मिल जाते हैं। बाकी गाड़ी के अंदर जो है आगे भी कैमरा लगाया गया है जो कि आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये भी एक्सेसरीज के थ्रू है। ये जो क्रोम का पार्ट आप देख रहे हैं ये भी एक्सेसरीज के ही थ्रू है। और अगर आप देखते हैं सामने की पूरी ही प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा गजब की और शानदार लग रही है देखने में। वहीं अगर आप बात करते हैं साइड प्रोफाइल की तो यहाँ के साइड आपको जो है एक क्रोम का एक एलिमेंट इधर मिल जाता है जो कि अलग से लगाया गया है। वहीं अगर आप बात करते हैं और नीचे वाले पोर्शन की तो इसके अंदर जो है पियानो ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट यहाँ यूज़ किया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है देखने में। और यहाँ कुछ कॉपर का भी एलिमेंट यूज़ किया गया है और ये सारा ही एक्सेसरीज़ का ही जो है एक पार्ट है। क्रोम डोर हैंडल इसको जो है बना दिया गया है और ये भी एक्सेसरीज़ का ही पार्ट है। डोर वाइज़र भी आपको जो है एक्सेसरीज़ का पार्ट मिल जाएगा। वहीं अगर आप बात करते हैं पीछे के पोर्शन की तो कुछ इस तरीके का पीछे का पोर्शन मिल जाता है। पीछे भी एक अमेजिंग सा कैमरा लगाया गया है जो कि एडजस्ट कर सकते हैं आप। सेंसर्स मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4 सेंसर पीछे आपको मिल जाएंगे। पीछे वाइपर नहीं मिलेगा, डिफॉगर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, एंटीना मिल जाता है। वहीं अगर आप बात करते हैं यहाँ आपको लाइट्स का सेटअप मिल जाता है फुल्ली एलईडी में, बट वो ब्रेक के लिए ही मिलेगा। इंडिकेटर और रिवर्स लैंप के लिए आपको जो है हेलोजनी बेस्ड मिल जाएगा। और अगर आप बात करते हैं बूट की तो बूट में आपको जो है डिक्की का पूरा ही यहाँ जो है क्रोम का ट्रीटमेंट यहाँ डिक्की पे मिल जाएगा। और यहाँ आपको जो है पूरा ही क्रोम आपको इधर मिल जाएगा, ग्लेंजा आपको लिखा हुआ मिलता है और यहाँ टोयोटा का लोगो मिल जाएगा, ई का आपको जो है पूरा ही बैज मिल जाता है। वहीं अगर आप इसके व्हील्स की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके के व्हील्स मिल जाते हैं। इसके ऊपर जो है 185/65 R15 इंचेस का सेक्शन मिल जाता है, व्हील कैप इसके ऊपर लगाए गए हैं, शानदार लग रहे हैं देखने में। और ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगी। अब एक बार इसके डायमेंशन जान लेते हैं, डायमेंशन की बात कर लेते हैं तो डायमेंशन इसके अंदर जो मिलने वाले हैं 3,990 mm की इसके अंदर लेंथ मिल जाती है। वहीं अगर आप इसके वृत्त की बात करते हैं 1,745 mm की इसके अंदर वृत्त मिल जाएगी। और वहीं अगर आप इसकी हाइट की बात करते हैं 1,500 mm की इसके अंदर जो है हाइट मिल जाती है। तो ये कुछ डायमेंशंस है। अब चलते हैं एक बार इंटीरियर में, क्या कुछ स्पेस है, क्या कुछ फीचर है उसके बारे में बात करते हैं। चलते हैं जी इंटीरियर में और यहाँ से जो है अनलॉक आप इसको कर सकते हैं। और जैसे ही डोर ओपन करेंगे डोर के अंदर आपको जो है आपको चारों पावर विंडोज़ मिल जाते हैं। यहाँ भी एक्सेसरीज जो है लगाई गई है, सॉफ्ट टच आपको पहले से ही मिल जाता है। यहाँ आपको जो है बॉटल होल्डर मिल जाता है और यहाँ डोर ओपनर मिल जाएगा। यहाँ आपको एक स्कफ प्लेट मिल जाती है ग्लेंजा की और हाइट एडजस्टमेंट सीट नहीं मिलेगी लेकिन फैब्रिक सीटें इसके अंदर मिल जाती है। और अगर आप देखेंगे इसके अंदर जो है ट्रैक्शन कंट्रोल और आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, लाइट लेवलर मिल जाता है। ये पूरा ही पोर्शन चेंज किया गया है और वुडन और पियानो ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट को इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। तो एक बार चलते हैं इंटीरियर में, फिर डीपली जानते हैं इसके बारे में। इंटीरियर की बात कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटीरियर इसके अंदर मिल जाता है और म्यू सिस्टम इसके अंदर जो है इंस्टॉल किया गया है, एंड्रॉयड म्यू सिस्टम इसके अंदर आपको मिल जाता है जिसके अंदर आपको एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले दोनों ही चीज़ें इसके अंदर जो है चल जाएगी, नेविगेशन तक आपको इसके अंदर मिल जाएगा। बाकी इसको आप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके आप जो है इसको एक पूरी ही एक टैबलेट की तरह यूज़ भी कर सकते हैं। वहीं अगर आप बात करते हैं इसके अंदर जो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है और एक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिल जाता है जिसके ऊपर कोई भी कंट्रोल्स आपको नहीं भी मिलेंगे। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको जो है एयरबैग का भी सेटअप इसके अंदर मिल जाता है और अगर आप देखेंगे ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड आपको मिल जाएगा। बाकी ये जो एलिमेंट आप देख रहे हैं ये भी पूरा इसके अंदर जो है इंस्टॉल किया गया है। और वहीं अगर आप ओवरहेड यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ भी कोई भी टिकट होल्डर वगैरह नहीं मिलता है, IRVM मिल जाता है। और अगर आप देखेंगे यहाँ कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप देखते हैं ग्लव बॉक्स की तो कुछ इस तरह के ग्लव बॉक्स मिल जाता है, काफ़ी अच्छे खासे जो है स्पेस के साथ आपको मिल जाएगा, बट ये आपको कूल्ड नहीं मिलेगा क्योंकि ये बेस वेरियंट है। और
और ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। बट इसके अंदर जो है स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको मिल जाता है, टिल्ट तरीके से आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक नहीं होगा। बाकी यहाँ जो है वाइपर्स के कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाएंगे, लाइट्स के कंट्रोल यहाँ मिल ही जाते हैं। और अगर आप इसकी MID देखें, कुछ इस तरीके की MID इसके अंदर मिल जाती है, 220 की टॉप स्पीड इसके अंदर दिखाया गया है। और अगर आप देखेंगे टैकोमीटर भी इसके अंदर मिल जाता है, बीच में आपको कुछ चीज़ें आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं एवरेज वगैरह रेंज वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर शो करेगा, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। बाकी साइड में आपको वार्निंग वगैरह भी शो करता रहेगा। गियर नॉब की बात करते हैं तो 5-स्पीड का एक मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। और ये मारुति का ही है बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊं। और अगर आप देखेंगे आपको जो है दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं, 12 वाट का सॉकेट मिल जाता है। और अगर आप देखेंगे यहाँ भी एक जो है डिजाइल एलिमेंट यहाँ यूज़ किया गया है, जो कि यहाँ यूज़ किया था। तो ये सारी चीज़ें, बाकी हैंड ब्रेक इसके अंदर मिल जाता है, कुछ स्पेस यहाँ मिल जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें आपको आगे मिल जाती है। अब एक बार चलते हैं पीछे, क्या कुछ स्पेस पीछे मिल जाता है। पीछे की स्पेस की बात कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम मिल जाता है। और अगर आप देखेंगे यहाँ भी कुछ ट्रीटमेंट यूज़ किया गया है, यहाँ सॉफ्ट टच मिल जाता है, बॉटल होल्डर मिल जाता है, ग्लेंजा का स्कफ प्लेट मिल जाता है। वहीं अगर आप देखेंगे पीछे आपको जो है 60-40 का मिल जाता है सेटअप, और 3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं एडजस्टेबल। और आगे वाली जो सीट है मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है 5.7 के अकॉर्डिंग, तो आप जो है नी रूम और थाई सपोर्ट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। और हेडरूम भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा, एस सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी ग्रैब हैंडल आपको इधर मिल जाएगा, क्वार्टर पैनल भी आपको छोटा सा मिल जाता है, काफी डिसेंट वर्क ही कर लेता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो नीचे के साइड आपको जो है 12 वाट का सॉकेट मिल जाता है, फोन होल्डर ऊपर भी मिल जाता है, इसके नीचे भी फोन होल्डर मिल जाएगा। बाकी डैशबोर्ड का लुक कुछ इस तरीके का मिल जाता है। डैशबोर्ड में तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले लग गया, तो काफी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस इसके अंदर मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब एक बार इसके बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। बूट स्पेस की बात कर लेते हैं तो अराउंड 318 लीटर्स के आसपास का बूट स्पेस इसके अंदर मिल जाता है, जो कि काफ़ी डीप है। आप देख भी सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा स्पेस इसके अंदर मिल जाएगा। और अगर आप बात करते हैं इसके नीचे वाले पोर्शन की, तो स्पेयर व्हील भी आपको मिल जाता है, जो कि है 185/65R15 inches का, जो कि सेम सेक्शन का आपको मिल जाता है, जो कि नॉर्मल जो आपको टायर इधर मिलेगा वही आपको उधर भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे मिल जाती है, बेसिकली बूट स्पेस में आपको मिल जाती है। अब एक बार इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। बूट मैंने इसका ओपन कर दिया है, इंसुलेशन प्रॉपर इसके अंदर मिल जाती है, और ये एक 1.2 लीटर का एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है, जो कि आपको पावर निकाल के देगा अराउंड 88.50 BHP निकाल के देगा, टॉर्क निकाल के देगा आपको 113 Nm का टॉर्क निकाल के देगा। 4-सिलेंडर इंजन है और ये मैनुअल में आपको मिल जाएगा। और अगर आप बात करते हैं इसके माइलेज की, तो 16.94 KMPL आपको जो है सिटी में आपको दे देगा। वहीं अगर आप हाईवे की बात करते हैं, अराउंड 23 KMPL की जो है माइलेज आपको हाईवेज पे दे देगा। तो काफ़ी अच्छा खासा इंजन है और मारुति का ही है, तो काफ़ी सही आपको जो है पूरी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है। इंसुलेशन भी काफ़ी अच्छा है, इंजन भी काफ़ी अच्छा है, पावरफुल है, टॉर्की है। तो जी ये कुछ था रिव्यू। अब इसकी बारी है इसके प्राइसिंग के बारे में बात करने की। तो अराउंड इसके अंदर जो आपको एक्सेसरीज मिल जाती है, अराउंड 64,800 rupees की आपको जो है इसके अंदर एक्सेसरीज मिल जाती है। आप वीडियो पॉज करके जो है चेक कर सकते हैं कौन सी इसके अंदर एक्सेसरीज लगी हुई है। एक्सेसरीज को मिलाकर मैं जो है एक रेट बताऊंगा, और एक नॉर्मली जो है विदाउट एक्सेसरीज का आपको जो है इसका प्राइस बताऊंगा। और अगर आप इसका विदाउट एक्सेसरीज का प्राइस देखते हैं तो अराउंड 7,95,152 lakh rupees की ये विदाउट एक्सेसरीज मिलेगी बेस वेरिएंट। और अगर आप इसके अंदर जो है एक्सेसरीज मिला देते हैं तो अराउंड 8,38,961 rupees की आपको जो है ये एक्सेसरीज के बाद कॉस्ट करने वाली है। तो कैसी लगी गाड़ी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को ये भी बताना। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।